तरीके से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, गुड डॉट को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें आज हमें सीखने को मिलेगी दोस्तों, और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता, इसलिए कभी सीखना बंद हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है, तो हमें सीखने पर फोकस करना चाहिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आप अपने सपनों की उड़ान के अंदर आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से बहुत बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और उनको सिखाने के लिए जो आज मैम हमारे बीच में मौजूद है, उनकी एक एक बात को हम सबको मिलकर अच्छे से राइट डाउन करना है, नोट करना है। दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता के पीछे सबसे पहले काम करता है उसकी पर्सनैलिटी, उसका खुद का एटीट्यूड कि वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़े। कभी भी किसी भी इंसान से जब हम मिलते हैं, सबसे पहले हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारे बोलने का तरीका, हमारे विचार, ये सब कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये सीखनी है कि हम जब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्या वो कमजोर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और यही चीज आज हमें सीखने को मिलेगी, क्योंकि जब सामने वाले बंदे से हम किसी से मिलते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले हमें जज करता है, हमें महसूस करता है कि आप कैसे हैं, आपका तरीका क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका वे क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, और आप कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दुनिया का हर सफल आदमी सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करता है, और जब वो अपने विश्वास को मजबूत करता है तो वो लोगों के सामने अपनी बात को ढंग से रख पाता है। और यही चीज आज हमें समझनी है, किसी भी फील्ड में अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने विश्वास को बहुत बड़ा करना है, और वही चीज आज हमें मैडम से सीखनी है दोस्तों। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब आज हम उनकी बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मुझे आज भी याद है कि मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था, काफी समय पुरानी बात है ये, वहां पर हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, आपका एटीट्यूड और आपके बात करने का तरीके पर सबसे पहले आपका विश्वास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है। बात कोई भी कर सकता है, बात दुनिया का हर आदमी कर सकता है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन आप ले लीजिए, चाहे आप नौकरी वाला ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। बात करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके बात में जो विश्वास है वो कितना स्ट्रांग है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा महत्व करती है हमारी जिंदगी के अंदर। जब तक हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं होगा, हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी बात बाद में सुनता है, हमारा विश्वास और हमारा कॉन्फिडेंस पहले देखता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जबरदस्त, सुपर समझ में आ रहा है रवि सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली चीज दोस्तों वो होती है हमारा खुद का विश्वास, वो कितना मजबूत है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना स्ट्रांग है, हम अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं, हमारी आई कॉन्टेक्ट क्या है, हमारा मिलने का तरीका क्या है, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं सामने वाला हमेशा वो जज करेगा। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन सबसे पहले यही जज करता है, या किसी भी आदमी से जब आप मिलते हैं तो वो यही जज करता है कि आप उससे किस तरीके से मिल रहे हैं, या आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं। और वही आज हमें दोस्तों सीखना है, क्योंकि हमारी सबसे पहली सफलता हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हमारा मिलने का तरीका होता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, हमारी बातें होती है, हमारा आई कॉन्टेक्ट होता है, हमारा हाथ मिलाने का तरीका होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारी वोकैबुलरी होती है, हमारा बात करने का स्टाइल होता है। ये सब कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप लोगों ने सारी चीजें सीखी तो आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस के अंदर सफलता का, गुड डॉट में बहुत आगे बढ़ने का 70% मंत्र आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन वो तभी जब संभव होगा, तब आज जो शख्सियत हमारे बीच में यहां मौजूद है, आप उनकी एक एक बात को ढंग से सुनेंगे, महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे, क्योंकि आज वो अपना एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाली है। उन्होंने एक तजुर्बा अपनी जिंदगी में लिया जो हमसे आज वो शेयर करके हमें बताने वाली है कि किस तरीके से एक आम आदमी भी बड़ा बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने लेवल को अचीव कर सकता है, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप किस तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये सब चीजें अगर आज हमने सीख ली, अपनी जिंदगी में उतार ली, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और यही कारण है दोस्तों कि हर सफल आदमी इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो कभी घबराया नहीं अपनी बात को रखने से, अपने विश्वास को किसी के सामने प्रेजेंट करने से। और ये काम आता है जिंदगी में जब हम अपनी जिंदगी में अपने आप को मजबूत बनाते हैं। मैंने काफी लोग देखे हैं
वो बात रखना चाहते हैं पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है पर वो रख नहीं पाते। कारण क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका विश्वास उस बात को उस एनर्जी के तरीके से रखने के लिए उनको एनर्जी नहीं दे पाता। और यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग दिल में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये हम रख नहीं पा रहे। और इसी कारण से आप में से और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा अचीव तो करना चाह रहे हैं पर डर, कॉन्फिडेंस लेवल, अपना खुद का एटीट्यूड और विश्वास, किस तरीके से हमें बात करनी है, कैसे हमें बात को रखना है, वो चीज हमें पीछे कर देती है और हमें हरा देती है। तो आज उन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों से क्या बोला, अपने विश्वास को मजबूत करना, कैसे हमें कम्युनिकेट करना है लोगों से, हमें वो समझना है, हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारा वोकैबुलरी कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने को प्रेजेंट करना है, ये सब चीजें आज मैडम आपके सामने रखने वाली है। उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, अपनी जिंदगी में उतारिए और ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों किसी महान आदमी ने बोला है, अगर एक इंसान अच्छा प्रेजेंटेशन रखता है, अच्छी बात रखता है, तो वो इंसान मिट्टी भी बेच सकता है। कितनी बड़ी बात बोली है, मिट्टी भी बेच सकता है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, अपने विश्वास को मजबूत बनाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना और स्ट्रांग बनाएंगे। और वो तब संभव होगा जब हमें कोई इसके बारे में बताएगा, हमें सिखाएगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया का कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, दुनिया और उसका एटीट्यूड या उसका लक्ष्य या उसका संघर्ष उसको सिखाता है। और आज वही चीज आपके सामने होने वाली है, एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको सब कुछ बताने वाली है, लेकिन उनका बताना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा उसको अपनी जिंदगी में उतारना महत्वपूर्ण है। मैं रिपीट कर देता हूं, उनका बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण उनकी एक एक बात को हमें अपनी जिंदगी में उतारना है दोस्तों। तो अपनी डायरी और पेन को आप लोग लेके बैठिए, वो क्या क्या बताते हैं हमें उनको सीखना है, समझना है, अपने जिंदगी में उतारना है और बहुत बड़ा करना है दोस्तों। आधी जंग आप लोग आज यहीं पर जीत जाएंगे और जो भी आपका लक्ष्य है आप उस पर पहुंच पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं वापस से कि हर्षित सर और गुड डॉट की टीम ने हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी रखी, हमें एक मौका दिया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को निकालें, अपने विश्वास को बाहर निकालें, किस तरीके से हमें लोगों से बात करना है हमें वो सीखना है, और किस तरीके से हम बात करें वो हमें सिखाने को तत्पर है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करें, कैसे हम अपना खुद का प्रेजेंटेशन करें, वो सब कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, एक पल आप अपने आप को भूल जाइए और एक पल आपको उन बातों को सुनना है जो मैडम आपके सामने रखने वाली है। तो मैं आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करने जा रहा हूं आप हम सबके सिखाने के लिए जो मेंटर आज यहाँ पर मौजूद है, मिस अर्चना जी, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैम एक बार आप अपनी भावना, अपने विचार और अपनी सोच हमारे बीच में रखें, जिससे कि हम और बड़ा बन सकें और आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को और अच्छी उड़ान और बड़ी उड़ान दे सकें। नाम है अर्चना शक्तावत एंड मैं एक पर्सनैलिटी एनहांसमेंट ट्रेनर और क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से है एंड इस प्रोसेस में मैंने ढेर सारे कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे बच्चों को पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है। मैं बहुत सारे कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैंने बहुत ऐसे लोगों की मदद करी है जो एक एंग्शियस या एक डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं। और मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर आप बदलाव अंदर से लाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वरना बाकी सब इंफॉर्मेशन है। और आज का सेशन भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ओके, ग्रेट, सो शुरू करते हैं आज का सेमिनार विच इज ऑल अबाउट हाउ डू यू बिकम अ मोर इम्पैक्टफुल स्पीकर। आई मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ और वापस से आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में या सफर करते वक्त दोस्त बनाए हैं। आप ट्रेन में जा रहे थे, कोई आपका दोस्त आपके पास जो बैठा था आपने उससे बातचीत शुरू कर दी, या आप बस में जा रहे थे जो आपके पास में था उससे आपकी बातचीत हो गई और आप उनको दोस्त बना पाए। कितने लोग हैं आप हाथ खड़ा कर सकते हैं? या ओके सुपर, बहुत सारे लोग हाँ कह रहे हैं, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अब क्या वो कॉन्वर्सेशन मुश्किल थी? क्या आपके लिए वो दोस्ती बनाना मुश्किल था उस पर्सन से? शायद नहीं, तभी आपने उनसे बातचीत शुरू करी। क्या वो पर्सन को आप बहुत समय से जानते थे? बिल्कुल भी नहीं, पहली बार आप उसको बस ट्रेन या फ्लाइट में मिले। मगर फिर भी आपके लिए दोस्ती बनाना या बातचीत शुरू करना मुश्किल नहीं था, राइट?
वो पब्लिक थे यानी आप उनको कभी जानते नहीं हो और आपने उनके साथ बातचीत करी यानी स्पीकिंग. सो पब्लिक स्पीकिंग एक ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल नहीं है. हमारे लिए मुश्किल पता कब आती है, जब हम पब्लिक स्पीकिंग को अपने दिमाग में एक परफॉर्मेंस जैसे जोड़ते हैं. यानी हमें परफॉर्म करना है, हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, हमें लोगों को दिखाना है हम कितने अच्छे. अगर आप यही विचार से पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आप कभी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे. ओके, डू आई मेक सेंस? मेक सेंस? कैसे आप दोस्त बना सकते हैं, पब्लिक से बात कर सकते हैं, बातचीत करने में इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, इट इज परफॉर्मेंस. एक और सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. हम जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे और अगर हम अपना नाम भी लिखते हैं पेपर पे और ऊपर से कोई हमें देखता है, हमारी टीचर, हमारे पेरेंट्स, हम अपना नाम भी लिखने से कई बार डरते कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दे. यानी दिमाग को परफॉर्मेंस से तकलीफ है, कॉन्वर्सेशन से नहीं. सो सेम रूल अप्लाइज फॉर पब्लिक स्पीकिंग. हम पब्लिक स्पीकिंग को एक परफॉर्मेंस ना बनाए बल्कि एक कॉन्वर्सेशन बनाए. अब आपका यही सवाल होगा, मैम हम ये कैसे करें, राइट? तीन टिप्स है मेरे लिए आपके लिए. आपका सबसे पहले डर निकलना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के, क्योंकि अगर आप डर नहीं निकालेंगे आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे. सो नेवर मेक पब्लिक स्पीकिंग अ परफॉर्मेंस, ऑलवेज मेक इट कॉन्वर्सेशनल, मेक इट एंगेजिंग, मेक इट इंटरैक्टिव. तीन टिप्स हैं. सबसे पहले, कभी भी अगर आपको लोगों के सामने बातचीत करनी है, हमेशा एक सवाल पूछिए. आप में से कितने लोग एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं? आप फिट रहना चाहते हैं क्या? आप लंच में क्या खाते हैं? आप क्या करते हैं? क्या, कब, क्यों, कैसे? ये पांच सवाल अगर किसी भी तरीके से आप शुरू करते हैं तो सामने वाला जवाब देगा. जैसे जवाब आएगा वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, बातचीत हो जाएगी. और कोशिश करिए हाँ या ना वाले सवाल ना पूछे, यानी क्या आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, इसकी जगह आप खाने में क्या पसंद करते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए ताकि आपसे बातचीत हो, हाँ ना में बातचीत नहीं होती. दूसरा, कभी भी अगर आपको अपने क्लाइंट या किसी को गुड डॉट या आप कोई भी जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी अगर आप कहानी से शुरुआत करते हैं कि हमारा एक क्लाइंट था, उसने ये किया और उसको ये मिला और इससे रिजल्ट आया, तो लोग फटाफट आपकी बातें सुनेंगे, इंटरेक्शन होगा, वो सर हिलाएंगे, हाँ भरेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलेगी. और जैसे ये बदलाव आया आपका दिमाग डर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे. और आखिरी तरीका है, ह्यूमन ब्रेन है ना, उसको फैक्ट्स फिगर्स का बहुत शौक है. उसको कोई फैक्ट दे दो, उसको कोई डेटा दे दो. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ भारत में 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो ये आपको जल्दी याद रहेगा, आपका रिएक्शन आएगा. ह्यूमन ब्रेन को डेटा बहुत पसंद है. तो कभी भी अगर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, क्योंकि डर तो लगता है शुरू करने में, सबको डर लगता है, सबको लगता है लोग क्या कहेंगे, सामने वाला मेरी बात समझ पाएगा कि नहीं, उसको उसको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, ये सारे दिमाग में चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है लोग हम पे स्पॉटलाइट डाले हुए, हमें परफॉर्मेंस जैसे जज कर रहे हैं. अगर आप किसी के साथ डेटा शेयर करते हो, वो रिएक्शन देंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जैसे ही कोई चीज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी या कॉन्वर्सेशनल हो जाएगी, आपके दिमाग में जो डर है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा. बिकॉज बिगनिंग हमेशा मुश्किल होती है. इमेजिन करिए, मैं आज आपको बोलती हूँ कि एक अंधेरे कमरे में जाइए. पहले के 10 सेकेंड उस कमरे में आप एंटर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप डरे हुए हो, आपका ब्रेन आपको कह रहा है मत जाओ, उसमें से कुछ निकल जाएगा. पर 10 सेकेंड बाद जब आप उस कमरे में पहुंच जाते हो, आप उस कमरे में कंफर्टेबल हो जाते हो. तो वही चीज, वही लॉजिक, दिमाग का वही लॉजिक आपको अपने पब्लिक स्पीकिंग में अप्लाई करना है. शुरुआत कॉन्वर्सेशनल करो, कहानी सुनाओ, सवाल पूछो या फैक्ट शेयर करो, सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा आपका जो डर है वो कम हो जाएगा. राइट? डू आई मेक सेंस? डू आई मेक सेंस? सो कैन आई गेट अ थम्स अप? कैन आई गेट अ थम्स अप? सुपर. बहुत सारे लोग कि वहां मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के वहां लाइट नहीं है पर आपका थम्स अप मुझे दिख रहा है, आपके हैंड रेज भी दिख रहे हैं. सुपर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, बिकॉज मेरे लिए ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
दूसरा, जब आपने शुरू तो सवाल से कर दिया, कहानी से कर दिया, आपने कोई डेटा शेयर किया, मगर सामने वाला इंसान आपकी बात क्यों सुने, क्यों सुने, उनके लिए क्या है? आपके साथ भी ये हुआ होगा कभी कभार, टीवी पे आप चैनल बदलते जा रहे, एड आ रहा है, आप जैसे आपकी कोई आपके इंटरेस्ट का हुआ, जैसे कोई क्रिकेट चल रहा हो, महिलाओं के लिए कोई सीरियल चल रहा हो, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहा हो, या कार का एडवर्टाइजमेंट हो, अगर वो आपकी इंटरेस्ट का होता है तो आप इमिडिएटली वहां पे रुक जाते हो। सेम लॉजिक आप पब्लिक स्पीकिंग में अप्लाई करो, उनके लिए क्या है, वो आपकी बात क्यों सुने, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी बात, जो भी आपकी बात है उसमें उनका क्या फायदा है। अब ये चीज पे आपको बहुत फोकस करना है, ये आपके लिए एक तरीके से आपका इक्का है, आपका ट्रम्प कार्ड है। अगर आप में से कोई कार्ड्स खेलता है तो उनको पता है इक्के और जोकर की क्या अहमियत होती है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, लोग आपको तभी सुनेंगे अगर आप उनके लिए कुछ लेके आते हैं, उनमें उस बात में उनका कोई फायदा है। एंड कोई भी चीज अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो बिलीव इन द पावर ऑफ थ्री, यानी ट्रायंगल वाला थ्री, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिनेत्र, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आप देखेंगे लाइफ में तीन की एक अलग ही अहमियत है, ह्यूमन ब्रेन तीन चीजें ही याद कर पाता है। तो जो भी आप उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, मेक इट इन अ पावर ऑफ थ्री, because only then they will listen to you and only then will they be convinced, right? Do I make sense here? Can I get a thumbs up? Do you agree with me? शुरुआत आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर आप शुरू में ही नहीं बताएंगे कि वो आपको क्यों सुने, तो आपकी जो बाजी है, जो आप उनको बेच रहे हैं या बात करने, आप वो कभी नहीं कर पाएंगे, right? शुरू हो गया, हमने उनको बता दिया उनका फायदा क्या हुआ। अब तीसरी चीज है कि वो आपको क्यों सुने, आप में ऐसी क्या चीज है कि वो आपको सुने। तो यहाँ आपको मौका मिलता है अपने बारे में कुछ बताने का, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे आज रवि जी हमारे साथ जुड़े, हम क्यों रवि जी को सुनना चाहते हैं, क्यों आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे अपने फील्ड में ढेर सारे अवार्ड मिले हैं और मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। अगर आप इस तरीके से अपनी हर बातचीत पिच करते हैं, यानी शुरू में सवाल या स्टोरी से शुरू करते हैं, उनके लिए क्या है वो बताते हैं, और फिर बताते हैं वो आपको क्यों सुने, हर इंसान आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, और जैसे ही उसने समझ लिया तो आप के लिए वो जरूर कन्विंस होगा, आपकी बात से 101% कन्विंस होगा। फिर आपको ये नहीं बोलेंगे सर प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, वो आपको 2 मिनट नहीं 10 मिनट देगा, क्योंकि आपने आपकी बिगनिंग, आपकी शुरुआत अच्छी करी। और कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, राइट? और अगर बिगनिंग टेढ़ी मेढ़ी है तो सब कुछ खराब हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट इट इज ऑल्सो आखिरी इंप्रेशन नहीं होता, लास्टिंग इंप्रेशन होता है। अगर आपने शुरुआत अच्छी करी, लोग आपकी बातों से जरूर जरूर सहमत होंगे, राइट? सो डू आई मेक सेंस? यस, कैन आई गेट अ थम्स अप? ग्रेट ग्रेट, ओके। कैसे भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, आई बैडली नीड अ थम्स अप, सुपर, ओके। अब एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाती हूँ जो हम सब करेंगे साथ में, राइट? एवरीबॉडी रेडी फॉर एन एक्टिविटी? जो लोग मेरे सेमिनार पहले भी अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि मैं एक्टिविटीज और सवालों से बार बार आपका अटेंशन चाहती हूँ, राइट? ओके, नाउ जब भी एक्टिविटी बहुत सिंपल है, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें हमारे बॉस से मिलना है, या कोई ऐसे क्लाइंट से मिलना है, या कोई एक ऐसे सेमिनार में जाना है जहां हमें डर लगता है। डर नेचुरल है, हम डर को भगा नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, हम डर को मैनेज कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम ये टिप पब्लिक स्पीकिंग या कभी भी जब आप डरे हुए हो ना, एक सिंपल तरीका है, पहले आप अपने नाक से सांस लीजिए, सब डीप ब्रीदिंग करें, लंबी सांस लीजिए नाक से, सब करेंगे, और सांस को आपको मुंह से निकालना है, ओके? डीप ब्रेथ सब लेंगे एक साथ, मैं 4 की काउंट में हम डीप ब्रेथ लेंगे एंड हम 6 की काउंट में एक्सहेल करेंगे, ठीक है? सो लेट्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट,
Let's do it one more time. Breathe in on a count of 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exhale. From your mouth. Muh se nikalni hai. Right? Let's do it one more time. On a count of 4, we will breathe in. Ab exhale karenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muh se. जब भी आपके दिमाग में टेंशन हो, डर हो, द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर सेल्फ इज डीप ब्रीदिंग. एंड नाक से नहीं निकालना है, आपको मुंह से निकालना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है, और तब वैसे ही आप गर्म होते हो, आप डरे हुए होते हो. अब अपने आप को ठंडा कैसे करोगे? ऑक्सीजन से. सो नाक से ऑक्सीजन लो, ज्यादा से ज्यादा जाएगा, और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, आपकी बॉडी जल्दी ठंडी होगी. राइट, सो डूएबल, क्या हम ये कर सकते हैं? कर सकते हैं. लेट्स हैव अ थम्स अप. नेक्स्ट टाइम यू आर स्केयर्ड, डर सबको लगता है, हम सबको डर लगता है, कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम डर जाते हैं, पर हम ये कहें नहीं मैं डर क्यों रहा हूं, मैं डर क्यों रहा हूं, मैं डर क्यों रहा हूं. वो डर तो रहेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि हमारा डर कम हो जाए. ओके, मेक सेंस? कैन आई गेट अ हाई फाइव? ओके, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं इससे पहले, अगर एग्री करते हैं तो फटाफट अपने कैमरा में मुझे दे ताली वाला ताली दीजिए. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. ओके, अब सब लोगों को कहानियां सुनने का शौक है यहाँ पे, सब सबको कहानियां सुनने का शौक है, राइट? कोई भी यहाँ ऐसा है जो कहता है मुझे कहानी नहीं सुनना, और जिसको नहीं सुनना फिर भी मैं उनको एक कहानी जरूर सुनाऊंगी. ओके ओके, सो कहानी ये है कि एक बार दो डोंकी यानी दो गधे कहीं जा रहे थे ना, जंगल से निकल रहे थे, और दोनों गधे अनफॉर्चुनेटली एक गड्ढे में गिर गए, और वो गड्ढा बड़ा गहरा था. तो दोनों ने जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने लोगों को बताना चाह रहे थे कि भाई हम अंदर गड्ढे में गिर गए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे. तो जब तक वो आवाज लगा रहे थे, आज जो जंगल के पास जो गांव था, गांव से ढेर सारे लोग आ गए उस जंगल में, और उन्होंने देखा अरे ये गधे अंदर गिर गए हैं गड्ढे में, ये डोंकीज को हम कैसे बचाएं. तो उन्होंने मतलब बड़ी कोशिश करी, रस्सियां नीचे फेंकी, उनको बांधने की कोशिश करी, पर क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था वो कर ही नहीं पाए. तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, ये आवाज करते रहेंगे, इनको हम बचा भी नहीं पा रहे, तो बेहतर है कि हम ना इस गड्ढे में मिट्टी डाल के गड्ढे को भर देते हैं, और उसी में ये दोनों गधे भी मतलब दफन हो जाएंगे, और ये भी मर जाएंगे, क्योंकि वो उनको बचा ही नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि वो मिट्टी डालना शुरू किया उस गड्ढे के अंदर. अब जितनी बार वो मिट्टी डालते थे, एक गधा उसके अंदर, उसके ऊपर जब मिट्टी गिरती थी, वो अपनी बैक को ऐसे हिलाता था, मिट्टी नीचे गिर जाती थी और वो दबती गई. एक एक तरीके से उसका लेवल बढ़ता गया, और धीरे धीरे क्योंकि वो मिट्टी डालते ही गए, और ये गधा ने ऐसे कि अपने बैक को हिलाया, नीचे मिट्टी करी, और वो एक तरीके से उसके लिए स्टेप बनता गया. और फाइनली कुछ देर बाद एक गधे ने तो हार मान ली कि मैं तो बची नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा. एक गधा तो अंदर ही रह गया, दूसरा गधा बाहर निकल आया. तो सब मतलब सब शॉक थे कि ऐसा कैसे हो गया कि एक गधा तो बेचारा मर गया, पर ये दूसरा वाला गधा बड़ा ही स्मार्ट था. गांव वालों के बीच में ये बड़ा टॉपिक चला, वो बात कर रहे थे, तो उनको पता चला कि जिस गधा जो गधा बाहर आ पाया, यानी जो डोंकी बाहर आ पाया, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, मगर लोगों का रिएक्शन देख के वो मोटिवेट हो गया, क्योंकि लोग कह रहे थे नहीं तुम नहीं आ सकते. वो सुन नहीं पा रहा था, वो उनकी जबान नहीं सुन पा रहा था, मगर वो उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ पा रहा था. तो अगर मैं चुप बैठी हूं और ये बोलूं कि ये तो मर जाएगा, नहीं आ पाएगा, उसको लगा वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह रहे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. और वो इतना मोटिवेट हुआ बॉडी लैंग्वेज से कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल आ पाए, राइट? सो ये स्टोरी इसलिए नहीं है कि कोई कि वो गधा बाहर कैसे निकला, ये स्टोरी इसलिए है कि ये है पावर आपकी बॉडी लैंग्वेज का. आप कहना कुछ चाहते हैं मैं आज बहुत गुस्से में हूं, मगर मैं बोलू नहीं मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी दिखा देगी कि मैं गुस्से में हूं.
ये ही पावर है आपकी बॉडी लैंग्वेज की। और जब आप लोगों के सामने बात करते हैं, आपकी बातचीत और आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं होगी, आप कहना चाहते हैं प्लीज मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है नहीं 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 मत खरीदिए। सो उसी तरह जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पर इसमें ये नहीं है कि मैं ऐसे खड़ा रहूं, मेरे हाथ ऐसे रहने चाहिए, मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करो। सबसे पहले तो आपका आई कॉन्टैक्ट, आपको लोगों की तरफ देख के बात करना है। अगर मैं ऐसे करके अपनी प्रेजेंटेशन लूंगी, अगर मैं ऐसे करके प्रेजेंटेशन लूंगी, यानी मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रही हूं, मैं आपको कन्विंस ही नहीं कर रही हूं, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, तभी लोगों को लगेगा कि आप उनसे बात करना चाहते हो। दूसरा, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए, क्योंकि यही एक तरीका है कहने का कि आई एम हैप्पी। हम कोई और तरीके से लोगों को नहीं बता सकते कि मैं खुश हूं। द ओनली वे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस इज बाय स्माइलिंग। तो अगर मैं आज गुस्से में बोलूं, आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताने वाली हूं, मैं कहना चाहती हूँ इतनी अच्छी चीज, मगर इतने गुस्से से कह रही हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो हमेशा एक चेहरे पे मुस्कान रखिए। एंड तीसरी चीज है आपका पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, कैसे आप बैठे हुए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हमेशा आपका बॉडी पोस्चर खुला हुआ होना चाहिए, राइट? हम सब ना एक एक, एक जानवर से आते हैं, यानी जानवर है बंदर। हम सबको खुले पाम्स लगता है, लोग हमसे प्यार करते हैं। जैसे हमारी मुट्ठी बंद होती है या कोई भी चीज पे हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, यानी हम डर गए या हम अटैकिंग मोड पे हैं। हम किसी को मुक्का मारते तो हम उंगलियां मुट्ठी बनाते हैं, मगर अगर हमें किसी को प्यार करना है, अगर हाय करना है, तो हम पाम दिखाते हैं, हम हमारा पाम खुला रखते हैं। सेम लॉजिक आप पब्लिक स्पीकिंग में अप्लाई करिए। जितनी आपकी बॉडी खुली रहेगी, जितने आप आपके पाम्स दिखाओगे, उतनी ज्यादा आप वो पॉजिटिविटी फैला पाएंगे जो आप आपके शब्दों में बताना चाहते हैं। सिमिलर चीज आपको वो डोंकी वाले केस में थी, उसको शब्द नहीं समझ में आ रहे थे, मगर उसको बॉडी लैंग्वेज समझ में आजा आजा आजा। एक वो है ना जा ना जा ना जा, और एक होता है आजा आजा आजा। शब्द बता रहे ना जा, बट बॉडी लैंग्वेज तो एक तरीके से सेम है। सेम चीज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में रखें। सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड इज, हमेशा एक स्माइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक तरीका है बताने का कि आप खुश हैं, यू आर हैप्पी एंड यू वांट टू टॉक टू द पर्सन। एंड लास्ट इज एन ओपन बॉडी लैंग्वेज, यानी कुछ भी ऐसा या बंद ऐसे मुट्ठी जैसा नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाला आपकी बात सुनना चाहेगा। मेरे से बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैम क्या मैं हाथ ऐसे रख सकता हूँ, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, क्या मैं उंगली दिखा सकता हूँ। आप इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आप हमेशा डर के बात करेंगे। आपकी खुद की एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज होती है, आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। अगर अमिताभ बच्चन ऐसे बात करता है तो इसका मतलब नहीं कि आप अमिताभ बच्चन जैसे बात करें। आपको आपकी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज रखनी है, मगर सिर्फ तीन पॉइंट्स ध्यान रखने, आई कॉन्टैक्ट, आप स्माइल करें, एंड तीसरा ओपन बॉडी लैंग्वेज करें, राइट? डू आई मेक सेंस? कैन आई गिव अ थम्स अप? थम्स अप? कैन आई गेट अ थम्स अप? ओके, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। सी, ये थम्स अप से भी या तो मेरी बात से सहमत है या मेरी बात से नहीं सहमत है, राइट? एवरीथिंग इज अ बॉडी लैंग्वेज एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, अब दूसरा एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बात करते हैं। आप में से कितने लोग न्यूज देखते हैं? जल्दी से हाथ खड़ा करिए, कितने लोग न्यूज देखते हैं? बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये सब बड़े जागरूक है, सबको पता है न्यूज कितनी ज्यादा जरूरी है और हमें न्यूज लगातार देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अब ये आप ध्यान रखिए कि जब भी हम न्यूज देखते हैं, न्यूज रीडर्स का एक तरीका होता है बात करने का। अब अगर आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन देती हूँ और मैं बोलती हूँ, हेलो JRCM, मेरा नाम है अर्चना शतावत और मैं आज आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताने वाली हूँ, क्या ये इम्प्रेसिव था?
इम्प्रेसिव था, कितने लोग बोलेंगे हाँ, कितने लोग मुझे बोलते हैं हाँ इम्प्रेसिव था, एक एक हम दिखाइए, थैंक यू नहीं। पर अगर मैं बोलती हूँ JRCM, मेरा नाम है अर्चना शक्तावत और आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आज कुछ बताने वाला हूँ, राइट? इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे दिल की धड़कन होती है सीधी लाइन, यानी आप मर गए, ऊपर नीचे, लाइफ ऊपर नीचे, हर चीज कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। उसी तरीके से जब आप लोगों से बात करें, आपकी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। आप फ्लैट टोन में बोलेंगे तो लोग आपकी बात से इम्प्रेस नहीं होंगे। तो एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, कुछ 7-8 साल पहले आई थिंक जी न्यूज पे एक शो आता था, मैं शो का नाम भूल गई, मगर उसमें जो जो कमेंट जो इन जो न्यूज एडिटर था वो बोलता था, चैन से सोना है तो जाग जाओ, वो दरिंदा आप ही के पड़ोस में बैठा होगा। ये सुनते ही मुझे लगता था हाँ कहीं मेरा पड़ोसी तो ऐसा नहीं है। ये इम्पैक्ट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन का, उसकी हर एक बात, यानी आज 7-8 साल बाद भी मुझे उसका डायलॉग इसलिए याद है क्योंकि उसने वो डायलॉग कभी ऊंचा कभी नीचा, और जहां उसको सॉफ्ट होना था वहां उसने सॉफ्टली उसको बोला, राइट? तो आपकी पिच कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। सिमिलरली कभी आप फटाफट बोलोगे, जैसे आज मैं खुश हूं तो मैं ये नहीं बोलेंगे मैं खुश हूं, खुश लगता ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूं। जहां पे आप खुशी की बात करते हो आपकी आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी, मगर जहां आप दुख की बात करते हो, कोई सीरियस बात है, तब आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे हो जाएगी, राइट? मेक सेंस? डू आई मेक सेंस? डू आई मेक सेंस? कैन आई गेट थम्स अप? सुपर्ब। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, इसलिए मैंने आवाज तेज कर दी। जहां पे मुझे लगता है कि आप मुझे, मैं चाहती हूँ अब हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, मां मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो मेरी आवाज कम हो जाएगी। जैसे दिल की धड़कन होती है वैसे आपकी आवाज चलनी चाहिए। जहां पे आपको फटाफट बोलना है, किसी को खुश करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है, फटाफट। जहां कोई दुख अथॉरिटी की बात आती है आप धीरे बोलो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है, द पावर ऑफ पॉज। इसको हिंदी में बोलते हैं कि कभी मैंने आज आपको बोला आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके बाद मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप रिएक्ट करें। पर हम क्या करते हैं, बोलते ही जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम एक पब्लिक स्पीकर हैं और स्पीकर का मतलब बोलते ही रहना। पब्लिक स्पीकर का मतलब होता है जो बोलता है और सुनता भी है। तो अगर मैंने आप लोगों से पूछा है डू आई मेक सेंस और अब मैं पॉज ही नहीं करूं और मैं लगातार बोलती गई, तो आप बोलेंगे अरे मैम ने सवाल पूछा पर हमारा तो जवाब ही नहीं सुना। सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम पब्लिक को एड्रेस करते हैं, हमें रुकना पड़ेगा। अगर आपने सवाल पूछा है तो पॉज करो, किसी की तारीफ करी है तो पॉज करो, किसी से किसी को कोई जानकारी दी है तो पॉज करो, कहानी सुनाई है तो पॉज करो, उनके लिए क्या है पॉज करो, आपको उनको क्यों सुनना चाहिए उसके बाद पॉज करो, राइट? तो आपकी पिच, आपकी पेस और आपका पॉज, ये तीन चीजें आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही आपकी स्पीच को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी, ऑर्डिनरी से सुपर्ब बनाएगी। वही चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट? डू आई मेक सेंस? राइट? डू आई मेक सेंस? ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब चलिए हम एक फटाफट एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने आपको बोला ना मेरी प्रेजेंटेशन में बिना एक्टिविटी करे, बिना कुछ हिलाए डुलाए मैं काम तो होने ही नहीं दूंगी, मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगी ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले ये तीन लेटर प्रैक्टिस करते हैं। अब ये तीन लेटर हम सब साथ में बोलेंगे। फर्स्ट लेटर है क्यू, ई एंड आर, राइट? तीन लेटर है क्यू ई एंड आर, हम सब ये साथ बोलेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको क्यों आपसे बुलवा रही हूँ। इसमें मैं आपको इसलिए नहीं बुलवा रही क्योंकि मुझे कोई मजा आ रहा है या इससे ये इंग्लिश के शब्द है इसीलिए। बट पहले हम सब एक बार साथ में बोलते हैं क्यू ई आर।
गला ना में आपका जो सलाइवा है वो चला गया और आपका गला क्लियर हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं ऐसी आवाजें, गला खराब हो जाता है, खांसी आ जाती है, पानी, हम ऐसा करते हैं। इसमें कोई इसमें कुछ गलत बात नहीं है, इसमें ये होता है हमारा ब्रेन है ना वो डरा हुआ होता है। तो अगर आप कभी भी जब आपको ऑडियंस के सामने बात करना है या 10-15 लोगों के सामने बात करना है, ये 3 मैजिक लेटर 5 बार प्रैक्टिस करो, आपका गला में सलाइवेट हो जाएगा, थ्रोट क्लियर हो जाएगा और आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस देम वन मोर टाइम नहीं 3 टाइम्स विल प्रैक्टिस, ऑल ऑफ यू विथ मी, Q E R. सुपर, अपने लिए तालियां बजाइए। ग्रेट। ओके, अभी ना मैं चाहती हूँ, मुझे 5 लोग पार्टिसिपेंट्स चाहिए। हम फटाफट से टंग ट्विस्टर्स करेंगे। अब टंग ट्विस्टर्स इसलिए करना है ताकि हमारी आर्टिकुलेशन बेटर हो। तो कोई भी 3 या 4 लोग वॉलंटियर करें और ये कुछ लाइनें हैं, इनको फटाफट 3 बार बोलनी है। तो सबसे पहले किसके साथ शुरू कर सकते हैं, कौन रेडी है, फटाफट हाथ खड़ा कर दियो। ओके, मुझे सबसे पहले किशोर साहू जी का हाथ दिखा है फ्रॉम बिलासपुर। किशोर साहू जी आप अनम्यूट करिए और जो फर्स्ट लाइन है, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, 3 बार फटाफट बोलनी है आपको। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, किशोर साहू जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मेरी रिक्वेस्ट है हर्षित जी, यस बराबर 3 बार। जो हंसेगा वो फंसेगा। अरे क्या बात है, सुपर, सब तालियां बजाइए किशोर जी के लिए। दैट वाज एक्सीलेंट, थैंक यू। आपको इजी वाला मिल गया, अब नेक्स्ट वाला कौन ट्राई करना चाहता है? यस, तो मुझे दिनेश जी का हाथ दिख रहा है। दिनेश सिन्हा जी अनम्यूट करिए और फटाफट ये खड़क सिंह वाली जो है वो आप पढ़िए, मुझे स्क्रीन ना दिख नहीं पा रहा मेरा, तो शुरू करिए आपसे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। सुपर, थैंक यू। तो आप थोड़ा सा ना लेवल बढ़ता जाएगा। अब रीजन ये है, जितनी ज्यादा आप टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीच क्लियर होगी, आपका आर्टिकुलेशन क्लियर होगा। क्योंकि कितनी बार होता है हमारा नाम भी ऐसे बता सकता हूँ, ये मेरा नाम बना, आपको मेरा नाम नहीं पता। तो अपने हर शब्द का उच्चारण बड़ी क्लियरली करें, क्योंकि आप सब सेल्स में हैं, आप सब मार्केटिंग फील्ड में, और मार्केटिंग फील्ड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। 50-25 में भी गड़बड़ हो सकती है, तो हर शब्द का उच्चारण क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब थोड़ा सा टफ वाला आ रहा है, कौन ट्राई करना चाहेगा टफ वाला? किशोर जी मैं किसी और को चांस देना चाह रही हूँ। सो आई नो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कोई है जो हाथ खड़ा कर रहा है, मुझे ना सबके स्क्रीन नहीं दिख पा रहे। ओके, सो रवि भट्ट जी बड़ा वेव कर रहे हैं। रवि भट्ट जी आप अनम्यूट करें और फटाफट ये समझ वाली जो चीज है उसको हमें समझाइए। अगर रवि भट्ट जी को अनम्यूट कर सकते हैं, रवि भट्ट जी एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, थैंक यू मैम। यस, गो अहेड। थैंक यू मैम जी। समझ समझना भी एक समझ है। क्या बात है रवि जी, इतना इम्प्रेसिव था, आप तो लग रहा था कोई कहानी या कोई म्यूजिक के साथ आपने गाया। तो ढेर सारे तालियां, सुपर, क्या पार्टिसिपेशन है, मतलब एक से बढ़कर एक, विद एवरी लेवल। मैं सोच रही थी शायद हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, पर मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे लेवल टफ हो रहा है उतना और अच्छा लोग बोल पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। 2 और है मेरे पास, चंदू के चाचा वाला कौन तैयार है? ये मेरी फेवरेट टंग ट्विस्टर है, कौन ट्राई करना चाहेगा? एक तो सबके स्क्रीन ना जल्दी जल्दी हिल रहे हैं, मेरे को किसी के हाथ नहीं दिख पा रहे हैं। चंदू के चाचा वाला, एक सेकेंड,
एक मिनट, ये स्क्रीन इतना जल्दी चेंज हो रहे हैं, एक जस्ट वन सेकेंड। ओ माय गॉड, किस कौन रवि जी के साथ एक एक सर है जो येलो में है, मुझे उनका नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, उन्होंने येलो शर्ट पहना है। यस, की अभी के चतुर्वेदी जी, यस अनम्यूट करके आप बोलिए। चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांद की रात में चांदी के चम्मच में चटनी कटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चटनी कटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चटनी कटाई। चतुर्वेदी जी, वो सो वंडरफुल, मतलब अगेन वो रवि जी और आम दोनों ने इसको इतनी अच्छी कहानी और इतनी सुंदरता से बोला कि ये टंग ट्विस्टर लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कोई कहानी सुना रहे। आपका आर्टिकुलेशन सुपर्ब है। अब एक लास्ट वाला रहा है, मर हम भी गए, कौन ट्राई करना चाहेगा। सबके स्क्रीन इतने जल्दी हिल रहे हैं, मैं कोई ढूंढ नहीं पा रही हूँ, एक सेकेंड मुझे। ओके, सो आई हैव अजय कुमार गांधी जी। यस सर, गो अहेड। ये पाम देख के मुझे आया, ये वेलकमिंग है। कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना, ये वेलकमिंग नहीं होता। सो ग्रेट सर, अजय जी, ऑल स्क्रीन, आई मीन द व्हाट डू यू से, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। हम मर भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम मर भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम मर भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम ना मिला। Superb, thank you, that was wonderful, बहुत ही बढ़िया। Okay, so वॉइस मॉड्यूलेशन में आपने देखा हर चीज, एक छोटी सी छोटी चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, आप उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे बताते हैं। ओके, अब मैं अपने एक स्क्रीन पे पहले थोड़ा सा जाना चाहूंगी। आप सबके कोई ना कोई सुपर हीरो होगा जिसको आप एडमायर करते हैं, सुपरमैन है, वंडर वुमन है। आपने देखा है इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इनके शोल्डर्स बाहर होते हैं, इनका इनके हाथ इनकी कमर पे होते हैं या ऐसे करके होते हैं, पर हमेशा इनकी बॉडी लैंग्वेज खुली रहती है और उनको देख के लगता है ये हमारी लाइफ के सुपर हीरो है, राइट। आपको कभी भी अगर आपको डर लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप एक सुपर हीरो पोज करिए। मेरा सुपर हीरो पोज मैं आपको बताती हूँ, मेरा सुपर हीरो पोज है, मैं अपने दोनों हाथ खुले करती हूँ और लोगों की तरफ दिखाती हूँ, ये मेरा सुपर हीरो पोज है। मैं जब भी मैं डर जाती हूँ, कॉन्फिडेंस लो होता है, मैं हाथ ऐसे करती हूँ और मुझे लगता है मैं लोगों को बुला रही हूँ। अब आप डिसाइड करिए आपका क्या सुपर हीरो पोज है, सुपरमैन पोज भी हो सकता है, वंडर वुमन पोज भी हो सकता है, या शाहरुख खान पोज भी हो सकता है। मुझे शाहरुख खान पसंद है इसलिए मैं शाहरुख खान पोज करती हूँ, राइट। जब भी कॉन्फिडेंस लो हो जाए, एक सुपर हीरो पोज प्रैक्टिस करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर यहाँ है तो यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले पाएंगे, आपका चेस्ट खुल जाएगा, एंड यू विल फील लाइक यू आर सुपरमैन और द सुपर हीरो। ओके, ग्रेट, डू आई मेक सेंस? एक्टिविटी में मजा आया कि नहीं सबको? तो एक हाई फाइव देते हैं सबको, सब दे ताली करते हैं कैमरा की तरह। मैं आप सबकी हथेलियां देखना चाहती हूँ, टू सी दैट यू वेलकम मी। ओके, ग्रेट ग्रेट सुपर, मतलब मैं जब भी गुड डॉट में आती हूँ ना, उस दिन में जो इतनी अच्छी नींद आती है, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन, इतना वेलकमिंग लगता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल द लव दैट यू शो। ओके, कमिंग टू द एंड, ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जहां हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि हम अपना कंटेंट कैसे सुधारे, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारे, ये सब बात हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम जब बात करते हैं तो हम जो हमारा कंटेंट है उसको कैसे सुधारे, राइट। हमेशा तीन सिंपल चीजें याद रखिए, जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं ना, उसमें सल्यूशन होना चाहिए, बात प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात हमेशा सल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। तीसरा, हर चीज को सिंपल रखो, जितना सिंपल होगा उतना इंसान आपसे कनेक्ट होगा,
जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होगा। क्यों हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि हमारे टीचरों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके हमें समझाया था कि हमें लगता था नहीं यार हिंदी पढ़ लेते हैं यार हिस्ट्री ठीक है संस्कृत ही ले लेते हैं। मगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हेट करते थे बिकॉज इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड। तो लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे? आप में और वो मैथ्स टीचर में फर्क ही क्या है फिर? You have to simplify your concept. और जो भी चीज आप बताइए, I go back to the power of three, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिनेत्र, हर चीज तीन की फॉर्मूला में रखिए, क्योंकि दिमाग को सिर्फ तीन चीजें याद रखती है, 1, 2, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 108, 100, 101, सारे इमरजेंसी नंबर तीन में इसीलिए क्योंकि चौथा नंबर हमें याद ही नहीं रहता है। सेम लॉजिक आप आपके कॉन्टेंट में करिए, सल्यूशन दीजिए, सिंपल दीजिए और हमेशा तीन में दीजिए, सिंपल सल्यूशन एंड द पावर ऑफ थ्री। लोग आपकी बात 101% सुनेंगे। ओके, तो डर को कैसे निकाले? परफॉर्मेंस मत बनाइए, कॉन्वर्सेशन बनाइए, बॉडी लैंग्वेज में लोगों की तरफ देखें, मुस्कुराए और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए, आवाज को ऊपर नीचे करें और पॉज का फायदा उठाइए। लास्ट इज आपका कंटेंट, जो आपका राजा है उसी से लोग आपकी बात सुनेंगे, उसको सोल्यूशन बेस रखिए, सिंपल रखिए एंड यूज द पावर ऑफ थ्री, क्योंकि इंसान सिर्फ तीन चीजें याद रखता है। ओके, डू आई मेक सेंस? या इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, अब एक छोटी सी एक्टिविटी फिर करने वाले, इसको मैं बोलती हूँ जैसे एरोबिक्स होते हैं बॉडी के लिए, हम सुबह सुबह जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक्स, वैसे दिमाग के लिए होता है न्यूरोबिक्स। दिमाग को भी ना ट्रेनिंग की जरूरत है, दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत है, बड़े बड़े जंग खा जाता है वो। तो ये एक्टिविटी कोई भी दो जन पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक्टिविटी थोड़े से ना मतलब कईयों के लिए बहुत आसान होती है और कईयों के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल होती है। ओके, तो एक्टिविटी ये है कि एक शब्द दिख रहा है और एक कलर दिख रहा है ना, तो आपको कलर नहीं बोलना है, शब्द बोलना है, सॉरी रंग बोलना है, शब्द नहीं बोलना है। सो उदाहरण के लिए देती हूं, लिखा है हरा मगर आपको बोलना है लाल, लिखा है लाल पर आपको बोलना है हरा, लिखा है नीला पर आपको बोलना है काला। तो ये सारे शब्द इस तरीके से बोलने हैं। तो कौन कौन दो जन, एक सेकेंड मुझे मेरा स्क्रीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है हाथ खड़ा करें, बहुत सिंपल है। ओके, तो मुझे स्क्रीन इतने जल्दी चेंज होते हैं, मेरे खुद पिकअप करने में मुश्किल हो रहा है। ओके, एक सेकेंड रुकिए, मैं चाहती हूँ, मुझे वही नेम्स बार बार दिख रहे हैं पर मैं कुछ चाहती हूँ कुछ और लोग हाथ खड़ा करें। कौन रेडी है? ओके, सो मेरे पास है जय जय गोपाल। जय जय गोपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। जय जय गोपाल जी, आप अनम्यूट करें और आपको रंग पढ़ना है, शब्द नहीं पढ़ना, इससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज होने वाली है। जय जय गोपाल जी, आप हैं क्या? जय जय गोपाल जी को अनम्यूट किया जा सकता है? ओके, तो जय जय गोपाल जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई हाथ खड़ा करे तो मैं उनका नाम लूं। ओके, जय जय गोपाल रे सर, आप अनम्यूट करके आप बोलिए। एक वो माइक, यस आप अनम्यूट हो गए, आप बोलिए अभी। हाँ, जो कलर लाल को बोलिए, आपको कलर रंग बोलना है, शब्द नहीं बोलना, हरा नहीं बोलना, लाल बोलना है। लाल, पीला, नहीं सर लाल के बाद तो हरा है ये वाला। अच्छा ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। लाल, हरा, नील, काला, ठीक है, हरा, काला। हाँ, मुश्किल है, आसान नहीं है। हरा, लाल, राइट,
नीला ब्लू हरा करेक्ट हरा नहीं सर हरा नहीं है नीला है नीला 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 हाँ नीला काला लाल हाँ सुपर थैंक यू ग्रेट 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 अब ये एक्टिविटी में आपके दिमाग ने 10 पुशअप्स कर लिए 10 पुशअप्स करे आपको आपको पता नहीं चलेगा पर आपके दिमाग ने अब तक 10 पुशअप्स कर लिए पुलअप्स भी कर लिए और ट्रेडमिल पे भाग भी लिया है क्योंकि इसमें दिमाग को सोचना कुछ और है देखना कुछ और है और बोलना कुछ और है इतने सारा दिमाग चल रहा है ओके एक और है पर इस बार इंग्लिश में है तो कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा एनीबडी तो स्क्रीन इतने जल्दी बदलते हैं मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ ओके कौन करना हो मतलब मैं ओके सो मेरे पास एक हाथ अच्छा खड़ा हुआ था एक सेकेंड किसी ने हाथ खड़ा किया था राम प्रकाश जी अगर आप मैंने आपका हाथ देखा जो राम प्रकाश जी आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए मैं स्क्रीन चेंज कर दिया है इस बार इंग्लिश में है राम प्रकाश जी आप हैं ओके तो आप मुझे राम प्रकाश जी नहीं दिख रहे तो अरविंद भगत जी का मैंने हाथ देखा अरविंद भगत जी आप ट्राई करिए लाल हरा ब्लैक जी लाल लाल नहीं सर ऑरेंज है सर ऑरेंज है ऑरेंज ऑरेंज नारंगी जी और ये ब्लू पीला काला और पीला नहीं सर पूरा बोलना है ग्रीन ग्रीन की जगह बोलना है ऑरेंज सर शुरू से यहाँ से ग्रीन से शुरू करिए शब्द ग्रीन है मगर कलर ऑरेंज है वहां से शुरू करिए ऑरेंज ग्रीन ब्लैक रेड ऑरेंज राइट और ये भी ब्लू हो गया नहीं सर ये ग्रीन है करेक्ट सॉरी सॉरी येलो ब्लैक येलो येलो रेड ग्रीन ग्रीन सुपर ग्रेट 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 तो अरविंद जी आपके ब्रेन ने 10 पुशअप्स कर लिए हैं और ट्रेडमिल पे 1 किलोमीटर उसने भाग लिया है तो सबके लिए एक बार जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ओके तो ये एक्टिविटी इसीलिए थी ताकि आप आपके दिमाग को चलाएं एक्टिविटी करेंगे एक तरीके से न्यूरोबिक्स है आपकी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज थी ओके तो अभी मेरे पास मैं टाइम में ऑब्वियसली ओवरबोर्ड हमेशा हो जाती हूँ बट आज का सेमिनार था कि कैसे सबसे पहले तो आप अपना डर हटाइए जैसे आपका डर हटा आप अपने कॉन्टेक्स्ट यानी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करिए और आप ये देखिए आपको किसी को कॉपी नहीं करना है हम मानते हैं हम बंदर हैं मगर हर चीज नकलची बंदर जैसे करने की जरूरत नहीं आप सबकी एक आइडेंटिटी आप सब यूनिक हो आप सब बहुत अच्छे हो आपको अपनी अच्छाइयों को इस तरीके से यूज करना है ताकि आप एक अच्छा स्पीकर बन पाए राइट एंड लास्ट इज आप अपने कंटेंट को सोल्यूशन बेस्ड रखिए सिंपल रखिए एंड यूज द पावर ऑफ 3 ये 3 चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया You are going to be a unique, fabulous speaker. आपको ये नहीं बोलेंगे अरे तुम उनके जैसा बोलते हो तुम उनके जैसा बोलते हो They will say you speak like you because there is nobody more beautiful than you.